खरगोन में युवक ने फायरिंग की है। युवक की पीठ पर गोली लग गई है, गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिस्तान थाना क्षेत्र के ग्राम दामखेड़ा की यह घटना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको खरगोन से बता रहे हैं, जहां पर एक युवक ने गोली चला दी और ये गोली दूसरे युवक को जा लगी है। युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसके पीठ में ये गोली लगी है। अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ युवक को भर्ती कराया गया है। बिस्तान थाना क्षेत्र का यह मामला है। शशिकांत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशिकांत, क्या अपडेट, युवक की स्थिति कैसी है और क्यों गोली चला दी गई? जी मैं बता दूं, खरगोन जिले के बिस्तान थाना क्षेत्र के ग्राम दामखेड़ा रोड की घटना है, जहां जो है एक युवक पंडरी निर्गुड़े नाम का युवक जो है अपनी पत्नी का जो शिक्षिका है उसको छोड़ने जा रहा था, और जब वापस लौट रहा था तभी गिट्टी खदान के पास में दो अज्ञात जो है बाइक सवारों ने पंडरी पर गोली चला दी, जिससे जो है एक गोली जो है उसके पीठ में लगी है पीछे, और इसके बाद में जो दोनों जो है युवक वहां से फरार हो गए। लेकिन बताया जा रहा है कि जो दोनों युवक जो है पल्सर बाइक से आए थे और उसको जो है गोली मारकर ये चले गए। ये भी संभावना जताई जा रही है पुलिस द्वारा कि आपसी रंजिश हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से सुनसान स्थान पर जो है गोली चली है तो पहले से जो है इसने रेखी की होगी, क्योंकि ये खरगोन से पंडरी जो निर्गुड़े जो है अपनी पत्नी जो वहां पर दामखेड़ा गाँव में शिक्षिका है उसको प्रतिदिन ये छोड़ने जाता और वापस लौटते समय जो है रास्ते में इसने गोली चली और पीड़ित जो है गंभीर रूप से जो घायल, बताया कि ये जो है सामाजिक कार्यकर्ता भी और उसने जो है समाज सेवा के साथ साथ में कई लोगों की शिकायत भी उसने कर रखी है, और इसी के चलते जो है उसने संभावना जताई जा रही कि मेरा जो है मुझ पर गोली से हमला हुआ है। घटना के बाद में बिस्तान पुलिस एम्बुलेंस से खरगोन जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां पर एक्सरे कराया गया। एक्सरे में जो है गोली रीढ़ की हड्डी में उसको फंसी हुई है और खरगोन से जिला अस्पताल में डॉक्टर यहां कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद हो सकता है कि उसे इंदौर भी रेफर करना पड़े। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए शशिकांत।